Hello learners, Nagendra, welcome you again on this YouTube channel. And आज जो मैं लेके आया हूँ, सोचिए कि मैं क्या लेके आया हूँ, क्योंकि पिछली बार अगर मैंने development of drama की बात की और उसका पहला step आपको बताया कि कैसे drama इस English पूरे background में आए हैं और England में आए हैं, तो उसका दूसरा step क्या हो सकता है? तो दूसरा step of course एक ऐसा स्टेप होगा जो इन ड्रामास को और आगे की उड़ान को ले जाएगा. तो आज हम उसी बारे में बात करते हैं कि मिस्ट्री और मिरेकल प्लेस के बाद क्या. और मिस्ट्री और मिरेकल प्ले में भी कुछ चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग हुआ करती थी. उस ज़माने में कोई स्पेक्टेक्युलर इफेक्ट नहीं था. स्पेक्टेक्युलर इफेक्ट का मतलब लिटरेचर वाले स्टूडेंट को समझना चाहिए कि जो बहुत ज़्यादा हम लाइटिंग का शो करते हैं और सजावट करते हैं, स्टेज डेकोरेशन करते हैं, वो बिल्कुल नहीं था. तो फिर कौन सी ऐसी चीज़ थी, कैसे हम दिखाते होंगे? हम दिखाते थे इसको कुछ माध्यमों से. अगर मैं कहता हूँ कि तूफान आने वाला है और गर्जन हो रहा है, थंडर है, तो उस समय ड्रम बीट को जो है खूब सारे ड्रम एक साथ बजा के तूफान को सिग्निफाई किया जाता था. सारा सिंबल सिंबॉलिकल था. और अगर मैं कहता था कि नर्क है, तो नर्क को दिखाने के लिए एक सिम्बॉलिकली जो स्टेज में एक ड्रैगन बनाया जाता था, ड्रैगन का मुँह नर्क का द्वार सिम्बॉलिकली दिखाया जाता था. कॉस्ट्यूम्स बड़े सिंपल होते थे फ्रेंड्स. उस समय कॉस्ट्यूम ऐसे नहीं होते थे कि आज की तरह बहुत डेकोरेटिव. जो मिलता था और जिस तरीके का आप वो इमेजिन कर सकते थे उसमें, तो करेक्टर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता था बजाय स्पेक्टेकल और या फिर इन पूरे ड्रेस वगैरह के और कॉस्ट्यूम्स वगैरह के. और एक और बड़ा अच्छा होता था कि उसके बीच में कभी कभी हंसाने के एलिमेंट भी डाले जाते थे. इतना सीरियस सब्जेक्ट चल रहा है, बाइबल की कहानी चल रही है, बीच में शैतान कुछ ऊंची नीची हरकतें करने लग जाएगा हंसाने के लिए. कभी कभी जो है नोहाज आर्क में नोहा की वाइफ कुछ ऐसी बातें करने लग जाएगी, ऐसे एक्शन की हंसी आ जाती थी. कभी कोई हंसा देता था जिससे एक रिलीफ लोगों को फील होता था. और ये सब चलते चलते आगे का सफर अब जब निकलता है ड्रामा में, तो एक नया ड्रामा उदय होता है. और लगभग वो 15th century के लास्ट में वो ड्रामा आता है और उसको हम इंटरल्यूड्स कहते हैं और मॉरेलिटी प्ले. तो आज मॉरेलिटी प्ले की बात पहले करेंगे. तो पहले मॉरेलिटी प्ले आता है. अब लोग बाइबल की कहानियों से उबने लगे थे. आखिर कोई कब तक उस चीज़ को रिपीट करेगा? आप भी अगर रामलीला आपको रोज़ दिखाएं तो नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि हाँ ये तो मैंने देखा है. तो कुछ नया एलिमेंट चाहिए. तो लोगों ने करेक्टर में एक चेंज किया और उन्होंने एक नया ड्रामा शुरू किया जिसमें हम मॉरेलिटी प्ले कहते हैं, जिसमें नैतिक गुणों को करेक्टर बनाया जाता था, मॉरल्स जिसे हम कहते हैं. और उन नैतिक गुणों को करेक्टर बनाने का मतलब था कोई करेक्टर ट्रूथ है, तो कोई आपका ऑनेस्टी है, कोई करप्शन है. लेकिन इसमें एक करेक्टर हर नाटक में होता था और वो करेक्टर होता था सेटन, जिसे हम शैतान कहते हैं, जो डेविल होता था. और मान लीजिए कि ये सेटन और डेविल अगर कई नाटकों में है कॉमन, क्योंकि ये कुछ ना कुछ बुराई लेके आएगा. तो एक और मैं चीज़ आपको बताऊं कि लिटरेचर में जब एक करेक्टर बार बार किसी नॉवल या किसी ड्रामा में रिपीट होता है तो उसके लिए एक टर्म है, और इसलिए हम सेटन को उस टर्म से बुलाएंगे. उसका नाम होता है स्टॉक करेक्टर, STOCK, स्टॉक कैरेक्टर. तो सेटन एक स्टॉक कैरेक्टर था और इन मॉरेलिटीज को दिखाया गया. लेकिन मॉरेलिटीज से भी बहुत भारी एटमॉस्फेयर बन जाता था. आप याद कीजिए कि जब आपको क्लासरूम में कोई नैतिक शिक्षा से रिलेटेड लेक्चर देता था या फिर नैतिकता की बातें बताता था, तो कितना भारी जो है एटमॉस्फेयर, हैवी आइडियाज आपके सामने आते थे. कई लोग तो पीछे सीट में सोते भी थे. तो ये एक भारी एटमॉस्फेयर बना देता था वहाँ पर ऑडियंस के बीच में. तो इन्हीं चीज़ों के चलते कुछ नए क्रिएशन करने की एक जज्बा लोगों में था. उसी दौरान एक नए तरीके का नाटक सामने आया जो सिर्फ 10 से 15 मिनट का होता था, लेकिन उसका पूरा एम होता था कि दर्शकों को हंसाया जाए और खूब जम के उसमें ह्यूमर जो है दर्शकों पर लुटाया जाए. और इसको किसी चलते हुए नाटक के बीच में या भारीपन के एहसास को कम करने के लिए बीच बीच में इंट्रोड्यूस किया जाता था. और इसीलिए क्योंकि इंटरफेयर करता था बीच में, तो इसको इंटरल्यूड कहा गया. और ये वैसा ही था जैसे किसी दिन कोई रामलीला में बहुत ही सीरियस सीन चल रहा हो, तो बीच में रामलीला के ऑर्गेनाइजर एक जोकर को आगे रख देते हैं और वो जोकर कुछ ऐसी हरकतें करता है जिससे लोगों में हंसी आ जाती है और थोड़े देर के लिए रिलीफ हो जाता है. ये रिलीफ देने के लिए ही आता था. और इनकी जो कॉमेडी होती थी वो एक बहुत ऊंचे स्तर की कॉमेडी नहीं होती, जिससे हम विटी एंड ह्यूमरस बहुत नहीं होती थी. ये लैम्पून और फार्स में आती थी. लैम्पून और फार्स होता है कि एक हंसाने की एक
जो है कला हो, कॉमेडी हो, लेकिन वो कॉमेडी बहुत निम्न स्तर की हो, जिसमें हरकतों से हंसाया जाएगा, एग्जाजरेटेड एक्शन से हंसाया जाएगा, खूब जो है उछल के या कुछ अजीब अजीब से एक्शन करके, मुंह के एनिमेशन बना के। तो इस तरीके से ये एक निम्न स्तर की कॉमेडी होती थी, लेकिन लोगों को इसमें मज़ा आता था। और इंटरल्यूड उस समय बहुत फेमस हो गया, और उस समय का एक फेमस इंटरल्यूड है थॉमस हेवुड का, द फोर पीस बहुत ही फेमस इंटरल्यूड है। और हेवुड सबसे बड़ा इंटरल्यूड राइटर बन के उभरा उस समय। इन फोर पीस का एक सिंबॉलिकल मतलब है, ये पी चार नाम है एक्चुअली, पार्टनर, पोथ कैरी और पामर, और एक और था पेडलर, पामर, पार्टनर और पोथ कैरी, ये चार कैरेक्टर थे जो जिनके नाम से द फोर पीस बना। तो ये तो रही इंटरल्यूड्स की बात। तो क्या इसके बाद इंग्लिश ड्रामा ऐसे ही चलने लगा? नहीं, हम उससे आगे बढ़ते हैं कि अब इंग्लिश ड्रामा अपना शेप कैसे ले रहा, देखिए। तो इसके तुरंत बाद एक घटना होती है जिससे इंग्लिश ड्रामा की ओर जाते हैं, कि लोगों में जो क्लासिकल ग्रीक मॉडल हैं ड्रामा के, उनको और जितने भी क्लासिकल ड्रामा हैं जिनमें सारी क्लासिकल यूनिटीज़ को फॉलो किया गया है, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ एक्शन, इसको कॉपी करने की होड़ मच गई। और उसी होड़ में एक पहला जो है कॉमेडी आई सामने, जो पूरे क्लासिकल मॉडल पर आधारित थी, उसका नाम था राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर। 1550 पे कॉमेडी आती है और इनको निकोलस उडाल जो है लिखते हैं, निकोलस उडाल। तो जब ये राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर आती है, तो उसी दौरान इटली में भी सेनेका नाम का राइटर जो है बहुत बढ़िया क्लासिकल मॉडल की जो है ट्रेजेडीज़ लिख रहा होता है, रिवेंज ट्रेजेडीज़। और ये जो निकोलस उडाल की कॉमेडी आती है, उसके बाद एक और कॉमेडी बुक आई है जो बहुत फेमस है, कैमर गर्टन स्निडिल, लेकिन इसका राइटर एनोनिमस है, इसके राइटर का पता नहीं चल पाया। तो फिर उधर सेनेका के क्लासिकल मॉडल से इंग्लिश राइटर जो है फॉलो करते हैं, और एक बहुत बढ़िया ट्रेजेडी आती है जिसको गॉर्बोडक कहते हैं, और ये ट्रेजेडी 1561 के करीब आई है। और गॉर्बोडक्स का दूसरा नाम है गॉर्बोडक का फेरेक्स एंड पोरेक्स, ये नाम भी बहुत आता है क्योंकि इसमें दोनों करेक्टर हैं, फेरेक्स एंड पोरेक्स, और थॉमस सेक्विले और थॉमस नॉर्टन ने ये लिखा था। तो इसमें एक बड़ा ज़बरदस्त है कि जो फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी है जो सेनेका के मॉडल पर आधारित है, वो गॉर्बोडक है, ये पॉइंट नोट करने लायक है। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें जो पॉइंट है वो ये है कि ये पहली इंग्लिश ट्रेजेडी है जो ब्लैंक वर्स को यूज़ करती है, इसमें ब्लैंक वर्स को यूज़ किया जाता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी विच यूज्ड ब्लैंक वर्स इन इंग्लिश लिटरेचर। और अब हम आज के लेक्चर के अंतिम पड़ाव में जो सबसे इंपॉर्टेंट है उधर पहुंच रहे हैं, तो राजा ध्यान से सुनिएगा कि अब देखते हैं कि इंग्लिश ड्रामा कैसे करवट बदल रहा है। जो इंग्लैंड के लोग थे, इंग्लैंड के राइटर, अब वो दो रास्तों में फंस गए। वो दो रास्ते थे कि वो एक रास्ता इस साइड ले जाता था, एक रास्ता इस साइड। इसके लिए मुझे एक रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोयम याद आती है, टू पाथ्स डाइवर्ज इन ए वुड एंड आई टुक द लेस ट्रेवल्ड बाय एंड दैट हैज मेड द डिफरेंस। कि दो रास्ते एक जगह से निकलते थे और मैंने वो चुना जो कम चला हुआ था, जिसमें लोग कम गुजरे थे, और उसी ने पूरा डिफरेंस क्रिएट किया। तो यहाँ भी कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि इंग्लिश लोग किसको चुने। एक और था क्लासिकल मॉडल, कि मैं क्लासिकल मॉडल्स पे ही लिखता चला जाऊं, और एक दूसरा रास्ता था कि मैं अपनी नेटिव इंग्लिश ड्रामा में, अपनी लैंग्वेज में कुछ नया क्रिएट करूं। तो ऐसे में जो है क्लासिकल मॉडल को फॉलो करने की बजाय इंग्लैंड के ड्रामेटिस्ट ने कुछ नया चुनने के लिए एक कवायद शुरू की, और इससे ही इंग्लिश ड्रामा का एक नया रूप निखर के आया। और एक कवायद को शुरू करने में सारा जो हाथ है वो यूनिवर्सिटी विट्स, जो कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड के स्कॉलर्स थे, लैटिन और ग्रीक में महारत हासिल किए हुए, और शेक्सपियर ऑफ कोर्स। इन्होंने क्लासिकल रूल्स को छिन्न भिन्न कर दिया, इन्होंने तीनों ड्रामेटिक यूनिटीज़ को नहीं जो है फॉलो किया। और इसके बाद इंग्लिश नेटिव ड्रामा ने अपनी राह चुनी, और इसी के चलते शेक्सपियर और इन लोगों ने, एलिजाबेथन एज तब तक आ चुकी थी, और क्लासिकल मॉडल्स को जो है किनारे किया, दरकिनार करके अपने इंग्लिश के मॉडल क्रिएट करने शुरू किए। और इसीलिए एलिजाबेथन ड्रामा में कोई भी क्लासिकल मॉडल फॉलो नहीं किया जाता, और शेक्सपियर पूरी तरीके से इनको एक्सप्लॉइट करता है। तो इंग्लिश नेटिव ड्रामा ने डेवलप होने के लिए अपने रास्ते क्लासिकल ड्रामा से अलग कर दिए। तो यहाँ से शुरू होता है इंग्लिश का अपना ड्रामा में एक दखल, और जिसमें इंग्लिश ड्रामा एक नए रूप में उभरना शुरू होता है। और फिर ये कैसे उभरता है, और कैसे थिएटर का डेवलपमेंट होता है, कैसे फिर शेक्सपियर लिखते हैं, ये आगे की सीरीज़ में जारी रहेगा दोस्तों। और
मुझे आशा है कि आप इस ड्रामा की जर्नी को मेरे साथ बहुत इन्जॉय कर रहे होंगे, और अगर आप इसे पढ़ेंगे तो ये जो फैक्ट मैंने बताए इनको नोट करते भी चलें, और साथ में उस ज़माने की और भी चीज़ों को नोट करते चलें. डेफिनेटली यू विल एन्जॉय द फ्लेवर्स ऑफ लिटरेचर. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.